दोस्तों, मैं जीशान आरिपुर, आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्पाइस मनी से आप किस तरह पैन कार्ड बना सकते हैं। स्पाइस मनी क्या होता है, कौन इसमें क्या क्या सर्विस मिलता है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं स्पाइस मनी से पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दिया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ मैंने आपको बताया था कि इजी फोर पे से कैसे आप जुड़े, यहाँ पे अपनी दुकान को कैसे आप बैंक बनाएं इजी फोर पे के मदद से, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको यहाँ पे अल्पसंख्यक लोन के बारे में डिटेल दिया था, किस तरह अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी मैं आपको इस वेबसाइट पे, इस चैनल पे लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका एक भी सवाल, ये एक सवाल हो सकता है कि क्या अप्लाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट कहीं भेजना होगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट तो कहीं नहीं भेजना होता है, लेकिन 3 महीने में 4 महीने में आपको एक बार पोस्ट करना होगा UTI के ऑफिस में। आप अप्लाई कर दीजिए, आपका पैन कार्ड बन जाएगा। अब अप्लाई कर दीजिएगा, आपका पैन कार्ड बन जाएगा। 3-4 महीना में जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा सबको एक साथ आपको कोरियर कर देना है UTI के ऑफिस में, तो ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं किस तरह बनाते हैं। तो सिंपली से आपको स्पाइस मनी का पोर्टल लॉगिन कर लेना। मैंने स्पाइस मनी का पोर्टल लॉगिन कर चुका। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड, नया एडिट पैन कार्ड, ये जो है न्यू एडिट पैन कार्ड, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप नया पैन कार्ड और पैन कार्ड सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर आपको एक ही बार करना होगा, उसके बाद आपको रजिस्टर नहीं करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ग्राहक का पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर नंबर 1 वाले जो ऑप्शन है पैन कार्ड सर्विस के लिए रजिस्टर करें, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आ जाएगा एक्टिव नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने में आपको कुछ डिटेल मांगेगा, आपका एजेंट आईडी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस। तो आप ये सब रजिस्ट्रेशन देने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पर वेलकम में आपका नाम रहेगा। ये एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, हर बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। अब से अगली बार जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का वेबसाइट दिखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ इस तरह के सेंटर पर आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद नया पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपको, तो ये रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है ये आपको एक ही बार करना होगा। उसके बाद जब भी आप पैन कार्ड बनाएंगे तो पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये 2 नंबर ग्राहक का पैन कार्ड अप्लाई करें, इस पर ही क्लिक करना होगा। अगली बार से आपको यहाँ पे सर्विस रजिस्टर पर क्लिक नहीं करना होगा, क्योंकि ये एक ही बार रजिस्टर करना होता है। तो अगली बार से जब आएंगे आप पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा। 2 नंबर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई पैन कार्ड के लिए, यहाँ न्यू पैन कार्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है अभी अप्लाई करें, ये जो बटन है अभी अप्लाई करें, इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा नया पैन कार्ड अप्लाई करने या सुधार करने के लिए। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का सेंटर पे आपको दिखने को मिलेगा। अगर इस टाइप का आपका कोई एरर आता है तो आपको क्या करना है, पूरी टैब को, यहाँ से पूरी टैब को क्लोज कर देना है, ठीक है। पूरी टैब को क्लोज कर देना, उसके बाद फिर से ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी टैब को क्लोज कर दिया, अब मैं फिर से यहाँ पे ओपन कर लूँगा। अगर उस तरह का प्रॉब्लम आता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो पूरी टैब को काट के आप फिर से लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से लॉगिन कर चुका। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नया एडिट पैन कार्ड का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। नीचे में जो नया पैन कार्ड एडिट है इस पे आपको क्लिक करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको दो नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होता है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई का कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे अभी अप्लाई करें एक आपको मिल रहा बटन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये लॉगिन हो चुका। यहाँ पे नाम है तो मतलब आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है।
तो अब न्यू अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे अप्लाई न्यू फोन पेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर अलाउमेंट ऑफ पेन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब में एक फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म को फिलअप करना मैं फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्टेटस में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा कौन सा पैन कार्ड लेना चाहते, बहुत पैन कार्ड, यानी कि अगर पहली वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके मेल पे भी पैन कार्ड आएगा और आपके घर पे भी पैन कार्ड आएगा। ठीक है, अगर आप दूसरी वाले सेलेक्ट करेंगे तो ई पैन मतलब आपके सिर्फ मेल पे पैन कार्ड आएगा, आपके घर पे नहीं आएगा। अगर आपको घर पे भी पैन कार्ड चाहिए और मेल पे भी चाहिए तो यहाँ पे दोनों वाले बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड पहले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको एरिया कोड वगैरह कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको नंबर वन पे आ जाना है। यहाँ पे नंबर वन पे आने के बाद यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है जिसका बना रहे, सीरीज श्रीमती जो भी वो सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले लास्ट नेम देंगे, जो भी नाम आधार कार्ड में वही नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, तो लास्ट नेम जो वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे और मिडिल नेम है तो दे सकते, नहीं तो खाली छोड़ सकते। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ नेम ऑन कार्ड, पैन कार्ड में कौन सा नाम आएगा वो आपको दिखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये नाम फुल नाम यहाँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है इसके अलावा कोई नाम है तो इसमें आपको नो कर देना है तीन में। उसके बाद चार नंबर में जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद पाँच नंबर में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना हो कैलेंडर से, तो डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर सेलेक्ट करें। याद रखिए आपका जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड में नाम सेम मैच करना चाहिए। इस एक स्पेलिंग का डिसमैच हो गया तो ये नहीं बनेगा, तो डेट ऑफ बर्थ और नाम सेम इंटर कीजिएगा तभी बनेगा। ठीक है, उसके डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे आपको छः नंबर में इसको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे फादर्स का नाम दे देना है। ठीक है, फादर्स का फर्स्ट नेम, जो भी फादर्स का फर्स्ट नेम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप लेडीज़ का बना रहे हैं तो अगर उसकी शादी हो चुकी है तो फिर भी उनके फादर का ही नाम होगा। अगर किसी लेडीज़ का आप पैन कार्ड बना रहे हैं, अगर उसकी शादी हो गई है तो फिर भी उनके फादर का ही नाम होगा, ना कि उनके हस्बैंड का। तो उनके फादर का ही नाम आपको देना होगा, ये बात याद रखिए। शादी हो गया फिर भी, अगर नहीं हुआ फिर भी उनके फादर का ही नाम देना होगा। तो यहाँ पे फादर का नाम दे दिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिडिल नेम तो दे सकते। उसके बाद मदर नेम आप इंटर कर सकते हैं, नहीं तो मदर नेम को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पैन कार्ड पे किसका नाम चाहिए, फादर का नाम चाहिए मदर का, तो यहाँ पे फादर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद सात नंबर में यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस फिलअप करने के लिए मैं आपको पूरा अच्छा से यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, अगर किसी जेंट्स का आप बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उनके फादर्स का नाम देना होगा। नंबर वन ऑप्शन जो है, नंबर फर्स्ट वाले ऑप्शन, उसमें सबसे पहले उनके फादर्स का नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे उनका विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, इस टाइप का आपको देना, सबसे पहले उनके फादर का नाम देना होगा। ठीक है, जिसका भी आप बना रहे हैं, अगर जेंट्स का बना रहे हैं, सबसे पहले उनके फादर का देना होगा। अगर किसी लेडीज़ का बना रहे हैं, उसकी शादी हो गई है, अगर वो ससुराल में पैन कार्ड लेना चाहती है तो उनके पैन कार्ड पर उनके फादर का नाम रहेगा, लेकिन एड्रेस में जो उनके हस्बैंड का नाम देना है कि एड्रेस उनके हस्बैंड के एड्रेस पर पहुँचे पैन कार्ड। ठीक है, अगर किसी लेडीज़ का बना रहे हैं, उसकी शादी हो चुकी है, तो एड्रेस में सबसे पहले उनके हस्बैंड का नाम देंगे, उसके बाद एड्रेस देंगे। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड के एड्रेस पे ये पैन कार्ड चाहिए, ससुराल में चाहिए, तो हस्बैंड के एड्रेस देंगे, तो हस्बैंड का नाम सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देंगे। ठीक है, एड्रेस जो एड्रेस आप फिलअप कर रहे हैं वही एड्रेस आधार कार्ड में रहना चाहिए, तभी ये काम करेगा, तभी पैन कार्ड बनेगा। उसके बाद पूरा एड्रेस आपको फिलअप कर देना, जो भी आपका होगा वो नाम वगैरह फिलअप कर देना होगा। तो जिस तरह आप देख पा रहे हैं, मैंने पिता का नाम दे दिया, उसके बाद उसी बॉक्स में मैंने वार्ड नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आपको सबसे पहले फादर्स का नाम, उसके बाद वार्ड नंबर, उसके बाद अपना विलेज का नाम देना होगा। इस टाइप का आप देख पा रहे हैं, इस टाइप का नाम दे देना होगा। उसके बाद स्टेट, यहाँ पर पूरा चीज़ फिलअप करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, उसके बाद स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड आपको दे देना, जो भी पिन कोड होगा वो पिन कोड दे देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में ऑफिस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस को आपको खाली छोड़ देना, ऑफिस एड्रेस आपको नहीं भरना होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आठ नंबर में, ये एड्रेस जो आपने भरा है वो कौन सा एड्रेस भरा है, रेसिडेंट एड्रेस या ऑफिस का एड्रेस भरा है, तो यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस देंगे। तो जो भी आपका एड्रेस होगा, उस एड्रेस का जो भी एरिया कोड होगा, रेंज कोड होगा, वो आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना, सिंपली से ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाए टेलीफोन, फोन नंबर, ईमेल डिटेल, तो यहाँ पे आपको कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दे देना होगा।
ठीक है, तो मोबाइल नंबर आपको इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करना होगा, कस्टमर का ईमेल आईडी। याद रखिएगा बहुत सारे कस्टमर का ईमेल आईडी नहीं रहता है, जो कस्टमर के ईमेल आईडी नहीं रहता है तो वहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर के पास अगर ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, अगर कस्टमर की ईमेल आईडी नहीं है, कस्टमर को ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। ठीक है, उसी ईमेल पे ये पैन कार्ड बन के आपको आएगा और आपके घर पे भी आएगा। ठीक है, तो ये पूरा फिलअप कर देंगे ईमेल आईडी। तो यहाँ पे 12 नंबर में पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है आधार नंबर इंटर करने के लिए, जो भी आधार नंबर वो आधार नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे भी आधार नंबर लाल कलर में तो आपको दिखाने को मिलेगा। तो आधार नंबर इंटर करने के बाद अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो बाहर क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे आधार नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ फिर से आधार नंबर इंटर कर लेंगे, आधार नंबर सही सही दीजिएगा। ठीक है, तो दो बार आधार नंबर आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे 12 के तीसरे कॉलम में दूसरे वाले कॉलम को छोड़ देना है, तीसरे वाले कॉलम में पूछ रहा है जो नाम आधार कार्ड पे वही नाम यहाँ पे इंटर करने बोला जा रहा है। तो जो नाम आधार कार्ड में वही नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, आधार नंबर नेम इंटर करने के बाद आपको, तो उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा रहा है कि यहाँ की इनकम ऑफ सोर्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इनकम ऑफ सोर्स, इनकम ऑफ सोर्स में आप नो इनकम सेलेक्ट कर लीजिए। 13 नंबर में सोर्स ऑफ इनकम में आप नो इनकम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर में पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ डिटेल मांग रहा है। ये 14 नंबर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये 14 नंबर उन्हीं के लिए ज़रूरी है जिसकी एज 18 वर्ष से कम है। अगर कोई किसी की उम्र 18 वर्ष से कम है, अगर वो पैन कार्ड बनाना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे 14 नंबर डिटेल आपको भरना ज़रूरी है। ठीक है, अगर 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र है किसी का, आप पैन कार्ड बना रहे हैं, तो उसके लिए 14 नंबर भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर में यहाँ पे कह रहा है डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने तीनों में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड इशू बाई UIDAI इन कॉपी, तीनों मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद सोर्स जो वेरिफिकेशन नेम का बॉक्स जो, उस बॉक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसका नाम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्थान का नाम, प्लेस का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबमिट कर, तो यहाँ पे जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म आपको फिलअप हुआ फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, कूपन नंबर दोनों चीज़ आपको मिल चुका है। इस फॉर्म को आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से प्रिंट कर ले। यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट बटन पे क्लिक करने के बाद तो इसको आपको प्रिंट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं दोनों पेज को प्रिंट कर लेता हूँ, दोनों पेज को यहाँ पे मैं प्रिंट कर लिया एक एक करके। फॉर्म को प्रिंट कर लेना होगा, प्रिंट करने के बाद क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के बाद क्या करना होगा वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए फॉर्म को प्रिंट करने के बाद आपको किस तरह बनाना है। फॉर्म को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है, और एक फ़ोटो यहाँ पे, दो फोटो लगाना है, और एक फ़ोटो पे यहाँ पे देखिए इस तरह का सिग्नेचर करना है। आधा सिग्नेचर कागज पे आना चाहिए, आधा फोटो पे आना चाहिए ये वाले पे। ठीक है, आधा कागज पे आधा सिग्नेचर पे, फोटो लगाने के बाद आधा कागज पे आधा फोटो पे सिग्नेचर करना है और दूसरा फोटो के नीचे सिग्नेचर करना है। ठीक है, इसी तरह आपको फर्स्ट पेज में करके इसको स्कैन कर लेना है। इसको मैंने स्कैन कर लिया। उसके बाद सेकेंड पेज जो है, सेकेंड पेज में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से यहाँ पे डेट दे देना है और इसमें आपको सिग्नेचर करवा लेना है कस्टमर का। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड का फोटो कॉपी करके जीरोक्स करके उस पर सिग्नेचर करके लेना है। ठीक है, सिग्नेचर करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपको इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। इस फॉर्म को मैंने फोटोशॉप में ओपन कर लिया। अब ये फोटो जो, इस फोटो को हम क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे क्रॉप आइकन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम फोटो को इस तरह क्रॉप कर लेंगे, फोटो को क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फोटो क्रॉप हो चुका। अब यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव पे क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेंगे। ठीक है, फ़ोटो सेव हो गया। फ़ोटो सेव होने के बाद अब देखिए यहाँ पे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो सिग्नेचर, इस सिग्नेचर को हम इस तरह सेलेक्ट करके क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, सिग्नेचर को मैंने क्रॉप कर लिया। अब इस सिग्नेचर को भी हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे फोटो मैंने अलग कर लिया क्रॉप करके, सिग्नेचर को भी मैंने अलग कर लिया क्रॉप करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फॉर्म भर के आपने प्रिंट करके आप फोटो वगैरह लगा के सिग्नेचर करके स्कैन कर लेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे फिर से पैन कार्ड के पोर्टल पाएंगे, इस तरह का एरर आ जाएगा या किसी अदर दूसरी तरह का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सब पूरी टेप को काट देना। यहाँ से मैंने टेप को काट दिया। ठीक है, टेप को काट देना है। तो
देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद जो फॉर्म मिला फॉर्म को प्रिंट किया, फ़ोटो लगाए, उसके बाद फ़ोटो लगाने में उसको स्कैन किए, उस स्कैन करने के बाद फ़ोटो को मैंने क्रॉप किया, सिग्नेचर को भी क्रॉप किया। ये सब करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे आना है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिल रहा है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे आने के बाद यहाँ पे जितनी का भी आपने अप्लाई किया होगा वो आ जाएगा, जिसका डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है। तो यहाँ पे मेरा 2 है, तो मैं नीचे वाला का भी डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे स्टेटस में एक अपलोड है, अब इस अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपलोड करने के लिए यहाँ 3 मिल रहा है, एक पैन फॉर्म और डॉक्यूमेंट, ठीक है। पैन कार्ड की जो ये फॉर्म है 2 पेज की, ये फॉर्म और आधार कार्ड, ये तीनों को एक PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। उससे पहले यहाँ पे कह रहा है कि फ़ोटो जो होगा वो 300 DPI में होना चाहिए, और उसकी कलर 213x213 होना चाहिए, जिसकी साइज़ 30 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। और फोटो सिग्नेचर 600 DPI का होना चाहिए, जिसकी KB 60 KB से कम होनी चाहिए, और फॉर्म वगैरह की MB 2 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको इस वेबसाइट एक वेबसाइट का लिंक दिया, इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट टू PDF जो सेलेक्ट इमेज सेलेक्ट JPG इमेज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट जो ना जो आपने स्कैन किया है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 फॉर्म और प्लस डॉक्यूमेंट आधार कार्ड जो है उसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, तो ये अपलोड हो रहा है, मुझे PDF में इसे कन्वर्ट कर लेना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, डाउनलोड PDF करने इस तरह का। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड हो जाएगा, PDF में कन्वर्ट होकर मेरा कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद इसी पोर्टल में आएंगे, इसी वेबसाइट के ऊपर में, तो यहाँ पे गेट फोटो गेट सिग्नेचर का है, तो यहाँ पे फोटो की साइज सिग्नेचर की साइज रिसाइज करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड फोटो यहाँ चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से वो फोटो को मैं सेलेक्ट करेंगे। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका जो जो पैन कार्ड पे लगता है DPI और पिक्सल, ठीक है, ये 213x213 और 300 ये ऑटोमेटिक रहेगा। आपको पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद गेट फोटो पे क्लिक करेंगे। गेट फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये 300 DPI और 213x213 में कन्वर्ट होकर ये फ़ोटो हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इस फोटो को मैं यहाँ पे फोल्डर में रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी तरह सिग्नेचर को भी यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे, ये 600 DPI में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे गेट सिग्नेचर पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए सिग्नेचर भी मेरा कन्वर्ट होकर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो मैंने फॉर्म को और डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर लिया, फोटो को भी मैंने रिसाइज कर दिया, सिग्नेचर को भी रिसाइज कर दिया। अब फिर से यहाँ आएंगे, यहाँ पे इसके नाम के आगे अपलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फॉर्म को अपलोड करेंगे, सबसे ऊपर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जो फॉर्म मैंने PDF में कन्वर्ट किया उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स पे फोटो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट करेंगे, और सिग्नेचर पे यहाँ पे सिग्नेचर जो है इस सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए नीचे में यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो यहाँ 100% अपलोड होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। अपलोड होने के बाद ये आपके वॉलेट से पेमेंट काट लेगा, जो 107 रुपये कटता है। पेमेंट वेरिफिकेशन एरर, पेमेंट मेरा नहीं हुआ क्योंकि हमारे वॉलेट में रुपया नहीं था। तो मैं अब रुपया ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं रुपया ऐड कर लेता हूँ, तो मैंने पेमेंट ऐड कर लिया अपने वॉलेट में। अब देखिए यहाँ पे फिर से आएंगे अप्लाई पे, अप्लाई न्यू पैन कार्ड पे, यहाँ पे अब मैंने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया हूँ। अब यहाँ पे पेंडिंग पैन एप्लीकेशन फॉर पेमेंट, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझे इसका पेमेंट करना है तो इसमें टिक मार्क का लगा देंगे, और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है आधार मैच कर गया, ठीक है। मतलब ये जब तक आधार मैच नहीं करेगा तब तक आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा, मतलब कि जब तक आपके जो ने आपने डेट ऑफ बर्थ और जो नाम दिया वो आपके आधार से अगर मैच नहीं करेगा तब तक पैन कार्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आधार मैच हो चुका है मेरा, तो मेरा जो मैंने जो नाम दिया था और जो मैंने डेट ऑफ बर्थ दिया तो वो दोनों मैच कर गया है, इसलिए आधार मैच दिखा रहा है, ठीक। अब इसमें कोई दिक्कत ना, मेरा पैन कार्ड बन जाएगा,
ठीक है, इसके लिए मुझे कहीं भी डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये रिसिप्ट हो गई, इस रिसिप्ट को निकाल के आप कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैच हो चुका है। अब करना कुछ नहीं, यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ये रसीद हो गई। इस रसीद को आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। यही रसीद है इनका, तो मैं फ़िलहाल इसको सेव कर लेता हूँ। यह रसीद है, इसी को आपको प्रिंट करके कस्टमर को देना है। ठीक है, तो ये रसीद हो गया, आपका पैन कार्ड अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे भी बता रहा है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा अगर बन जाता है। बनने के बाद उसके बाद फिजिकल पैन कार्ड विल बी डिलीवरी योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड अप्लाई हो चुका है, रसीद। अब ट्रैक करने के लिए, स्टेटस देखने के लिए पैन कार्ड बना अभी तक कहाँ है, तो उसके लिए एप्लीकेशन नंबर, कूपन नंबर, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ट्रैक पैन कार्ड पे आएंगे और यहाँ पे फाइंड अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर इंटर करेंगे जिसका स्टेटस देखना है, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कह रहा है अप्लाई न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं, और उसका नाम जो वो नाम इस तरह है। उसके बाद स्टेटस में एप्लीकेशन पेमेंट अंडर वेरिफिकेशन, ठीक है, ये आपको कुछ वेट कर लेना, कुछ देर में ये आपका अप्रूवल हो जाएगा। पेमेंट अभी वेरिफिकेशन में, अंडर वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो ये आपका इस तरह पैन कार्ड बना सकते हैं। इसी तरह आप स्पाइस मनी से नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए पैन कार्ड कैसे सुधार करते हैं स्पाइस मनी का, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आपको मैं बना के दे दूंगा, उसके लिए आपको कॉमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप पैन कार्ड बना सकते हैं। और एक बात याद रखना, जब ये पैन कार्ड बनाएं तो जो नाम आधार कार्ड में और जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में वही देंगे, तभी आपका पैन कार्ड बनेगा, अन्यथा आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ फिर एक नई वीडियो में।